दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। CBSE बोर्ड की परीक्षा होगी ऑफलाइन। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक ठीक पढ़ा कि CBSE बोर्ड की जो परीक्षा है ये ऑफलाइन होगा। CBSE बोर्ड ने इसको डिक्लेयर कर दिया है। CBSE बोर्ड आगे ही डिक्लेयर कर चुका है कोविड को ध्यान में रखते हुए कि CBSE की जो क्लास 10 और 12 की एग्ज़ाम है ये साल में दो बार आयोजित किए जाएंगे, टर्म वन और टर्म टू। ये जो परीक्षा होगा ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन होगा यानी आपको स्कूल में जा कर के देना होगा। अब प्रश्न आता है कि भाई वेस्ट बंगाल के बच्चे का क्या होगा, वेस्ट बंगाल में परीक्षा किस तरीक़ा से होगा। तो वेस्ट बंगाल में भी जो परीक्षाएँ हैं वो CBSE के ही रास्ते पर चल रहा है, यानी वेस्ट बंगाल में भी जो परीक्षाएँ हैं ये ऑफलाइन हो सकता है, यानी स्कूल में जा करके आपको ऑफलाइन एग्ज़ाम देना होगा। 99% चांसेस है कि आपका एग्ज़ाम जो होगा ऑफलाइन ही होगा। आप देख पा रहे हैं एक न्यूज़ का, मैं ताज़ा टीवी का जो न्यूज़ है उसका मैं कटअप से आपको दिखा रहा हूँ कि अगले साल फिर कागज कलम पर हो सकती है माध्यमिक व उच्च माध्यमिक की परीक्षाएं। शिक्षा विभाग जो है आगे ही नोटिस भेज चुका है, सिर्फ इसमें मुख्यमंत्री की अनुमति की आवश्यकता है। जैसे ही मुख्यमंत्री की अनुमति की आवश्यकता होगा वैसे ही डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन होगा। इसका शिक्षा विभाग ने आगे ही प्रस्ताव भेज चुका है। और ये तो आप जानते ही हैं कि हमारे चीफ मिनिस्टर के द्वारा आगे ही अनाउंसमेंट किया गया है कि आपका काली पूजा और दीपावली के बाद स्कूल को खोल दिए जाएंगे। और इसका संभावना है, दिख रहा है कि स्कूल आपका दुर्गा पूजा और काली पूजा के बाद खुल जाएगा। तो आज का विशेष न्यूज़ क्या भाई कि CBSE तो डिक्लेयर कर चुका है कि उनका ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, बट वेस्ट बंगाल का भी डिक्लेरेशन नहीं आया। बट वेस्ट बंगाल का जो शिक्षा विभाग है और मुख्यमंत्री को भाई अपना लिखित ये नोटिफिकेशन दे दिया है कि भाई एग्ज़ाम हम लोग ऑफलाइन कराना चाहते हैं, सिर्फ मुख्यमंत्री की घोषणा की आवश्यकता है। चांसेस है कि आपका 99% एग्ज़ाम जो होगा ऑफलाइन ही होगा और स्कूल तो आपका दुर्गा पूजा और काली पूजा के बाद, सॉरी माफ़ करिएगा, काली पूजा और दिवाली के बाद खुलने की संभावना है। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए हमारे YouTube फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू, जय हिंद।